वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार लर्निंग अप। हमारी इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट मैटर इन सराउंडिंग को लगभग हाफ कर लेंगे कवर। ये चैप्टर फर्स्ट जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये चैप्टर जो आपका बेसिक जो बातें होती हैं उससे रिलेटेड है, जो आपको लाइफ में हमेशा याद रखनी पड़ सकती हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड है। जैसे कि आपके पास कोई भी मैटर है, उसके जो पार्टिकल है उसका नेचर, ठीक है ना, कोई भी मैटर किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, स्टेट ऑफ मैटर, इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, मतलब कि कोई भी मैटर है उसकी जो स्टेट अवस्थाएं होती हैं वो आपस में बदल जाती हैं, ठीक है, डिटेल में नीचे डिस्कस करेंगे इसमें। फोर्थ पॉइंट में जैसे कि इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग है, भाप बनकर उड़ना, बॉइलिंग मतलब उबालना, ठीक है। फिफ्थ है केल्विन एंड सेल्सियस स्केल, डिटेल में हम इसको पढ़ते हैं। देखो इसमें दे रखा है डेफिनेशन ऑफ मैटर एंड एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ थ्री फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, जो कि आपके सिलेबस के अंदर है, ठीक है, आपकी बुक में आपको पढ़ना पड़ेगा कि स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन सी हैं, मैटर क्या होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मैटर मतलब पदार्थ, कोई भी पदार्थ होता है वो क्या होता है, ठीक है, किससे मिलकर बना होता है, उसके आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी तो आप बता सकते हो, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि वो कैसे बना होता है, मॉलिक्यूल से, एटम से, आयन से, जो जिससे भी मिलकर बना होता है वो किस तरह से वो फॉर्म होता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका पॉइंट था ऊपर, ये फर्स्ट पॉइंट था पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। Anything that occupies space and have mass and is felt by sense is called matter. कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी चीज़ जो कि जगह को घेरती है, जिसका अपना खुद का मास होता है, ठीक है, और हम इसको छू सकते हैं, यानी कि हम उसका टच करके उसका पता लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास एक जैसे एक बाइक है, ठीक है, अब वो बाइक क्या है, थोड़ी जगह घेरती है, ठीक है, वो मेटल की बनी हुई है, ठीक है, उसमें बहुत तरह के मैटर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो स्पेस घेरती है, उसका वेट है, मास है उसका, ठीक है, हम उसको छू कर देख सकते हैं, ठीक है, ये सारा क्या है, मैटर होता है। कोई पदार्थ आपका मैटर रफ हो सकता है, स्मूथ हो सकता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, मैटर इज द फॉर्म ऑफ फाइव बेसिस एलिमेंट द पंच तत्व। पंच तत्व आपने हिंदी में सुन रखा है, पंच तत्व, पांच तत्व जो होते हैं, हवा, धरती, आग, आसमान और पानी, ठीक है, पांच ये तत्व होते हैं जिनसे जो मैटर होता है इन्हीं का एक फॉर्म होता है, बेसिक एलिमेंट मतलब तत्व इन्हीं का होता है, इनमें से ही मिलकर बना होता है। नेक्स्ट आपकी क्या है, कोई भी मैटर है, पदार्थ है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, गुण होते हैं, देखो क्या क्या गुण होते हैं उसके। पहला है आपका मेड ऑफ टिनी पार्टिकल्स, कि वो बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल। नेक्स्ट, पार्टिकल आर इन कंटिन्यूस मोशन, पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो इसने चार पॉइंट बताए हैं, चार में उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बता चुका है, जैसे कि मेड ऑफ टिनी पार्टिकल। देखो मेड ऑफ टिनी पार्टिकल मतलब कोई भी, जैसे कि आपका एक गिलास है, ठीक है, गिलास है, ये आपका गिलास है, मान लो ये गिलास, इसकी ये स्टील से बना हुआ है, किससे, स्टील से। अब जो ये स्टील है, ठीक है, स्टील में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे,
तब जाके वो क्या बनेगी, एक मैटर बनेगा स्टील, और वो स्टील जो होगा चादर बनेगी स्टील की, ठीक है, उसमें से गिलास की शेप बनेगी, ठीक है। अब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इन्हीं से मिलकर कोई भी मैटर बनता है, वो मैटर बनता है ये टिनी पार्टिकल कहलाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक मकान होता है, मकान बनने के लिए क्या होता है, ईंटें लगती हैं, ठीक है, बहुत सारी ईंटें लगती हैं, तब जाके एक दीवार खड़ी होती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, दीवार, ठीक है। तो ये दीवार जो होती है, ठीक है, अब दीवार में बहुत सारी ईंटें लगी होती हैं, ठीक है, ईंटें जब लगी होती हैं तो इसका नाम हमने दीवार दे दिया। तो अब क्या होगा इसमें, ये आपकी जो ईंट थी ये टिनी पार्टिकल हो गई एक दीवार में, ऐसे ही कोई पदार्थ है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, तब जाके वो पदार्थ कहलाया जाता है, ठीक है, मैटर कहलाते हैं उसको। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल। देखो इसके बारे में हम बताएं तो वैकेंट, वैकेंट आपको पता है खाली जगह, स्पेस, वैकेंट स्पेस मतलब खाली जगह, किसमें, एग्जिस्ट इन पार्टिकल्स। अब इनके जो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलकर ये बना हुआ है पार्टिकल्स, इनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। अब स्पेस भी डिपेंड करता है कि वो ज़्यादा है कम है या बहुत कम है, ठीक है। अब जो वैकेंट स्पेस होता है पार्टिकल्स के अंदर, सबसे ज़्यादा किस में होता है, सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, सॉलिड में तो सबसे कम होता है, वैकेंट स्पेस सबसे कम होता है, ठीक है, सबसे कम। और आपका लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड, ठीक है, लिक्विड मतलब तरल पदार्थ, जैसे कि वाटर वगैरह है, ठीक है, जो भी चीज़ें बहती हों, ठीक है, बहना मतलब कि कोई भी लिक्विड चीज़ होती है वो बहती है, तो वो आपके तरल पदार्थ कहलाए जाते हैं, ठीक है। तो लिक्विड में थोड़ा कम स्पेस होता है, ठीक है, मीडियम कह सकते हो आप उसको, मीडियम स्पेस, मतलब ना बहुत ज़्यादा है स्पेस ना बहुत कम है, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्पेस किस में होता है, गैस में, ठीक है। आपको पता है थोड़ी सी भी गैस अगर लीकेज हो जाती है तो उसकी सुगंध बहुत जल्दी आसपास फैल जाती है, मतलब उसके पार्टिकल जो होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है प्रेजेंट, ठीक है ना, वो दूर दूर भागते हैं एक दूसरे पार्टिकल से, तो उसके जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट था आपका, दीज पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूस मोशन। पार्टिकल्स क्या होते हैं, कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, मतलब कि वो लगातार गति करते रहते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल देके बताएं, तो मान लो यहाँ पर एक गिलास रखे हैं, ठीक है, एक गिलास, गिलास जैसे कि गिलास रखे हैं, इस गिलास के अंदर हमारे पास क्या है, वाटर है, ठीक है, वाटर। अब वाटर जो है, वाटर को हम क्या कहते हैं, H2O, H2O मतलब दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स प्लस एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाता है, एक अणु बनाता है, जो एक वाटर मॉलिक्यूल्स बनाता है, एक मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो अब जो ये वाटर है, हम इसको मान लो एक टेबल पे रख दिया है इसको, ठीक है, अब उस टेबल पे इसको ऐसे रख दिया है कि ये क्या है, हिले भी ना, मतलब कि ये एक जगह ऐसे रख दिया है कि ये धीरे धीरे अपना जो अपनी एक फिक्स पोजीशन पे आ जाए, ठीक है, अब हिलना बंद हो जाएगा इसका बिल्कुल। तो इसमें क्या है, आपको एक बूंद, मान लो आप एक बूंद इसमें इंक डाल देते हैं, ठीक है, एक बूंद इसमें इंक डाल दी। अब जो इंक डाली वाटर में, आपको पता है वो वाटर में नीचे नीचे जाएगी और फैलती जाएगी, ठीक है ना। तो आपको इससे पता चल गया कि कितनी ही या किसी भी अवस्था में जो है वो मैटर वो मोशन में होता है, उसके पार्टिकल्स, ठीक है,
हमने इसको एक जगह फिक्स कर दिया, लेकिन इसके पार्टिकल्स फिर भी मोशन में थे। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आपके सामने था, इसको दोबारा से रिप्ले करके देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? नेक्स्ट पॉइंट में आपका पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो, इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा पॉइंट दिया है कि इसकी जो पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी आपका मैटर है, उसके जो पार्टिकल्स मतलब जिनसे मिलकर वो बना हुआ है, जैसे ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इनसे मिलकर ये क्या है, उसका कोई भी चीज़ बनी हुई है। ठीक है, अब ये पार्टिकल्स से मिलकर बना है, इनके बीच में आपको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि आपस में आकर्षण बल होता है, मतलब इसके जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, ये पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं इनको हम पार्टिकल कहते हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, मतलब ये एक पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल को अपने पास खींचते हैं, चेन बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल हम आपको बताएं, जैसे कि एक वाटर का गिलास ले लो, वाटर का गिलास, इसमें वाटर फिल कर रखा है आपने। ठीक है, वाटर फिल कर रखा है, वाटर फिल कर रखा है, तो आपने मान लो अपनी फिंगर इसमें डाली, ठीक है, वाटर में, और उसको काटने की कोशिश करी, क्या आप उस वाटर को काट सकते हो बीच में से? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो दोबारा से अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे कि यहाँ पर आपके पास एक रबड़ है, ठीक है, रबर, ठीक है, और एक आपके पास चौक, ठीक है, एक चौक है, एक आपके पास मान लो लोहे की कोई चीज़ है, आयरन की आप नेल कह सकते हो, ठीक है, आयरन, ये आपका तीन चीज़ें मान लो, अगर हम इन तीन चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करें, इनको मान लो आप हमर से इसको इनको मारें, ठीक है, मारें मतलब कि इन पर चोट मारें, तो ये हमर से क्या होगा, सबसे पहले क्या अलग अलग हो जाएगा, पार्टिकल्स किसके पार्टिकल अलग होंगे, सबसे पहले चौक के पार्टिकल अलग हो जाएंगे। ठीक है, इसके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में? चौक में। ठीक है, चौक के बाद जो रबड़ थी, रबड़ की जो पार्टिकल्स हैं उसमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, वो रबड़ क्या है, उसमें चोट लग जाएगी। ठीक है, उसको हमर से हम पीटते हैं तो उसमें क्या है, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो और रबड़ टूटने में थोड़ा सा वो स्ट्रेच होती है ना, तो उसके पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट होके रखते हैं। ठीक है, रबड़ को हम मारते रहेंगे तो उसके टुकड़े हो जाएंगे छोटे, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है वो आपका क्या है, आयरन। आयरन पे हम बहुत सारी हथौड़े से उसको पीटेंगे तो बहुत देर में जाकर वो क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आयरन का जो भी टुकड़ा है आपके पास, पीस है, वो उसको लगातार हमरिंग करते रहेंगे उस पर, तो वो उसको हम पीटते पीटते एक पतली चादर में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगता है उसको टूटने में, मतलब इसके छोटे पार्टिकल्स होने में टाइम लगेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो ये जो आपने यहाँ पर एनर्जी वेस्ट करी इनके पार्टिकल्स को हटाने में, ठीक है ना, ये देखो इसमें ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण हुआ है, किसी में फोर्स यानी कि बल जो होता है, ठीक है ना, आपस में बल, कोई भी चीज़ का बल, ठीक है, अट्रैक्ट, अब यहाँ पे अट्रैक्शन बोला है ना, तो आपस में खींचने वाला बल, इसमें रबड़ में मीडियम था आपको पता है, चौक में बहुत कम था, इसके पार्टिकल्स अलग हो गए, और आयरन में क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कि पार्टिकल्स अलग होने में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में क्या करेंगे कि जो मैटर है पदार्थ की, वो स्टेट कौन कौन सी होती हैं उसकी। ठीक है, मैटर की स्टेट कौन कौन सी होती हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप, कौन कौन सी,
डिपेंड करता है कि उसके जो पार्टिकल हैं उनकी अरेंजमेंट, और दूसरा डिपेंड करता है अपॉन द एनर्जी ऑफ पार्टिकल, तीसरा डिपेंड करता है बेस्ड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, ठीक है, वो पार्टिकल की अरेंजमेंट, एनर्जी ऑफ पार्टिकल, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, इनके बेस में हमने किसी भी मैटर को उसको डिवाइड किया है कौन सी कैटेगरी में। देखो यहाँ पे दे रखा है, ये आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, बाकी दो और भी होते हैं, प्लाज्मा बी ई सी, बोस आइंस्टीन, कंडेंसेट, लेकिन ये आपको नहीं करने हैं, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। जो पेपर में आएगा आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस से आएगा, ठीक है, तीनों से। मैटर की थ्री स्टेट्स आपकी आएंगी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। इनकी इनके बारे में डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे अभी नीचे। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीन में हमने इसको, कोई भी पदार्थ हो उसको तीन भागों में डिवाइड किया है, या तो वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, ठीक है। अब देखो ये रहा आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनकी प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ में आपको क्या करना है, सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस, इन तीनों के बारे में। अब देख लो डायग्राम आपको दे रखे हैं सामने, ठीक है, इसके पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा पास पास दे रखे हैं पार्टिकल, बहुत ज़्यादा पास पास है, गैप इनके बीच में बहुत कम है। अब नेक्स्ट में देखो लिक्विड, लिक्विड मतलब तरल चीज़, ठीक है, लिक्विड के पार्टिकल्स में डेफिनेट, पार्टिकल के बीच में डेफिनेट कोई स्पेस नहीं है, मतलब कि इनके बीच में स्पेस कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, ठीक है। और गैस में देखो पार्टिकल्स में कितना स्पेस दे रखा है, ठीक है, ये डिफरेंस है इनमें तीनों में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में, ठीक है। अब देखो इनकी प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं नीचे, ये देखो फिक्स्ड शेप, सॉलिड में क्या होता है, फिक्स शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, आयतन उनका डेफिनेट होता है, निश्चित होता है, और फिक्स शेप होती है मतलब आकार फिक्स होता है। भाई आपके पास मान लो सॉलिड, मान लो एक आपका गिलास है, ठीक है, स्टील का, या फिर कोई आयरन की बाल्टी है, बकेट है, ठीक है, तो वो चीज़ें सॉलिड हैं, उनको वो फिक्स शेप में है, गिलास गिलास ही रहेगा हमेशा। अगर हम बात करें फिक्स शेप की, तो ऐसा नहीं है कि गिलास जो है वो गिलास से पिघल कर आपकी प्लेट बन जाए, ठीक है, उसके पार्टिकल हमेशा डेफिनेट फिक्स शेप में रहेंगे और उनका डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट में बात करें लिक्विड में, लिक्विड में क्या है, नॉट फिक्स शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। अब लिक्विड में शेप तो फिक्स नहीं हो सकती, मतलब उसका आकार फिक्स नहीं हो सकता, जैसे कि आपका लिक्विड मतलब वाटर ले लिया आपका, ठीक है, वाटर को हमने पहले जग में ले रखा है, वाटर को, ठीक है, जग में से हमने क्या किया, एक गिलास में कर दिया, ठीक है। वाटर को हम जिस भी कंटेनर में रखते हैं, मतलब कि किसी भी बर्तन में रखते हैं, तो वो उसका आकार ले लेता है, ठीक है, इसका शेप कोई फिक्स नहीं होता कि अगर हमने गिलास में रख दिया तो उसका शेप ले लेगा, अब गिलास की फॉर्म में रहेगा वाटर, ठीक है ना, वाटर को निकाल लो, गिलास की फॉर्म में है वाटर, तो ठीक है उसको पी जाओ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या है, बट फिक्स्ड वॉल्यूम। अब भाई आपने मान लो मार्केट से 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक ली, ठीक है, अब कोल्ड ड्रिंक क्या है, बोतल के अंदर तो कोल्ड ड्रिंक की शेप में है, मतलब बोतल की शेप में है कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, और हमने उसमें से बोतल में से कोल्ड ड्रिंक्स निकाल के गिलास में कर ली, तो ये गिलास की फॉर्म में आ गया दोबारा, ठीक है। अब देखो फिक्स वॉल्यूम, अब 2 लीटर की पेप्सी है या कोल्ड ड्रिंक है, वो क्या 2 लीटर की रहेगी, उसको आप चाहे 1 महीने रख दो, वो 2 लीटर की रहेगी, ठीक है, वो ऐसा नहीं होगा कि वो 3 लीटर की हो जाए या फिर वो 1 लीटर की रह जाए, ठीक है, बंद करके रखेंगे उसको तो वो उसी फॉर्म में या उसी वॉल्यूम में रहेगी, ठीक है, फिक्स वॉल्यूम रहेगा, ठीक है, लेकिन उसका आकार फिक्स नहीं होगा लिक्विड का, ठीक है। अब देखो
थर्ड क्या है आपका, गैस है। अब गैस में नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम, ठीक है, इसमें ना तो इसकी शेप फिक्स रहेगी और ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, ठीक है भाई। आपके पास गैस आपकी सिलेंडर के अंदर है, ठीक है, हम में सभी यूज़ करते हैं, अपने घरों में गैस यूज़ करते हैं, सिलेंडर के अंदर गैस होती है, वो उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है गैस का, ठीक है। अगर हम गैस निकाल देंगे तो वो उस सिलेंडर से बाहर निकल के हमारे सराउंडिंग में फैल जाएगी, ठीक है। अब अगर शेप होती तो सिलेंडर में से निकलती ही नहीं, ठीक है, सिलेंडर को हमने अलग करना होता है, उसमें से गैस की फॉर्म को सिलेंडर के रूप में निकलती, फिर वो पूरा का पूरा सिलेंडर गैस का एक निकलता काट काट के, है ना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, फिक्स शेप नहीं होगी उसकी, जैसे भी उसको बाहर निकालेंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट, पार्टिकल्स की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, अभी देखा ऊपर आपने, बहुत जो पार्टिकल्स हैं बहुत आपस में क्लोजली पैक हैं, मतलब कि आपस में बहुत टच में पैक हैं, स्पेस तो है ही नहीं उनके बीच में, बहुत कम है, ठीक है। ये आपका इंटर पार्टिकल डिस्टेंस हो गया, ये स्मॉल है, मतलब बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। अब लिक्विड की बात करें तो पार्टिकल डिस्टेंस लार्ज है, इनमें थोड़ा बड़ा है, ठीक है, लार्जर मतलब ज़्यादा है, इंटर पार्टिकल मतलब पार्टिकल के बीच में। नेक्स्ट का क्या है, गैस का इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जेस्ट, अब इनके बीच में गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में तो पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। थोड़ी सी भी गैस लीकेज होती है तो आपको पता है बहुत दूर तक उसकी स्मेल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेसिबल मतलब दबाना कोई चीज़, ठीक है, कंप्रेस करना, इन मतलब कि नहीं, इनकम्प्रेसिबल मतलब हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल मतलब लगभग ये इनकम्प्रेसिबल है, इनको भी कंप्रेस लगभग नहीं किया जा सकता, ठीक है। कुछ अपवाद हो सकते हैं इसमें, एक्सेप्शन, जिनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट लगभग सभी ही लगभग क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, गैस, गैस का क्या पॉइंट है, हाईली कंप्रेसिबल, गैस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। देखो आप 15-20 किलो गैस क्या है, एक सिलेंडर में हम डाल देते हैं, ठीक है, उसको कितनी गैस होगी वो सराउंडिंग में, जिसको हम कंप्रेस करके इतनी छोटे सिलेंडर में हम उसको फिल कर देते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ज़्यादा कंप्रेस करना, पार्टिकल्स के बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा भाई पार्टिकल्स को उतना ज़्यादा हम कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किस में, पार्टिकल के बीच में, मतलब पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप किसके बीच में, गैस के पार्टिकल, और सबसे ज़्यादा गैप जिसके बीच में होगा सबसे ज़्यादा कंप्रेस हम उसी को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज, डेंसिटी इज लोअर दैन सॉलिड एंड डिफ्यूज, डेंसिटी इज लीस्ट एंड डिफ्यूज, ठीक है। इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है किसकी, सॉलिड की, डू नॉट डिफ्यूज, ठीक है, और डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड, इसकी डेंसिटी सॉलिड से थोड़ी कम होती है, ठीक है, और इसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका यह था, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कि आपस में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पहले आपने पढ़ाया अभी थोड़ी देर पहले कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है किस में, सॉलिड में, ठीक है। इन्हीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, डू नॉट डिफ्यूज होते हैं, मतलब कि वो डिफ्यूज़ नहीं होते, फैलते नहीं हैं वो,
ठीक है। अब देखो आपके पास घर में कोई टेबल है सॉलिड, ठीक है ना, कठोर है टेबल, जैसे लकड़ी की बनी हुई है या फिर आयरन लोहे की बनी हुई है, तो जो आपकी टेबल है वो ऐसा तो नहीं है, टेबल आपकी मतलब स्क्वायर फॉर्म में है, ठीक है, उसके किनारे हैं साइडों से, ठीक है, वो बिल्कुल चारों तरफ से चौकोर है, ठीक है। अब उसमें क्या है, उसके जो एजेस हैं, किनारे हैं, ठीक है, वो अपने आप फैल कर गोल तो नहीं हो जाएंगे, ठीक है, गोल नहीं हो जाएंगे, ठीक है, या फिर उनकी कोई शेप और चेंज हो जाएगी और डिज़ाइन बन जाएगा उस पर, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। डू नॉट डिफ्यूज़, ये डिफ्यूज़ नहीं हो सकते, जैसा है सॉलिड वो वैसा ही रहेगा, जैसे आपके पास एक पेन है वो पेन पेन ही रहेगा, ठीक है ना, कुछ और नहीं बन जाएगा, वो पिघल कर आपके हाथ में आ जाए, कुछ और बन जाए आपके हाथ में, आप पेन चला रहे हो, आप पेन चलाते चलाते उसमें क्या है, कुछ और बन गया आपके हाथ में, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड एंड डिफ्यूज़। अब डिफ्यूज़ इसमें डिफ्यूजन क्या होगा, होगा डिफ्यूज़ होगा, ये डिफ्यूज़ मतलब ये फैलेगा थोड़ा सा, ठीक है, लिक्विड, लिक्विड तो आपको पता है फैलता है, ठीक है। अब गिलास में से वाटर है बाहर निकलेगा तो वो फैल जाएगा, ठीक है, मान लो हनी है, शहद है, ठीक है, आपने हनी को फैला दिया, ठीक है, तो चारों तरफ फैलता चला जाएगा, उसकी शेप क्या है, चेंज हो जाएगी, ये डिफ्यूजन हो जाएगा। ये क्यों होगा, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डेंसिटी इज लीस्ट एंड डिफ्यूज, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो आपकी डिफ्यूज़ होगा वो किसकी वजह से फैलेगा, वो डिफ्यूज़न तो बहुत ज़्यादा होगा ना, डिफ्यूज़न इसमें तो बहुत ज़्यादा होगा, फैलेगा तो बहुत ज़्यादा, क्यों, क्योंकि इसके इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा कम है भाई, इसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे लिक्विड में, ठीक है, अब लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे ये किसकी तुलना में, सॉलिड की तुलना में कम था, यानी कि इसके जो पार्टिकल्स के बीच में जो बल लग रहा था खींचने वाला वो क्या था, सॉलिड की तुलना में कम है, ठीक है, तो इसलिए फैल जाते हैं। अब जब बिल्कुल ही इसमें क्या होगा, फोर्स बहुत ज़्यादा होगा तो फैलेगा ही नहीं, थोड़ा कम है तो फैल जाएगा, अब बिल्कुल ही कम है, वीकेस्ट है, इसमें बोल रखा है वीकेस्ट, ठीक है ना, वीकेस्ट, तो वीकेस्ट मतलब बहुत ही कमज़ोर, तो इसमें क्या होगा कि डिफ्यूज़ हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको कि जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा स्ट्रॉन्ग, उतना ही वो डिफ्यूज़ नहीं होगा, ठीक है ना, डिफ्यूजन रेट उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी, नहीं स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ठीक है। देखो दोबारा, मान लो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये रखा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो डिफ्यूजन क्या होगा, फैलेगा वो नहीं, वो फैलेगा नहीं। आप अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, ठीक है ना, यहाँ पे मान लो वीक दे रखा है, ठीक है, वीक है तो वो डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, और बिल्कुल ही क्या है आपका, वीकर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपस में जो पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं वो बहुत कम है फोर्स, तो वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिफ्यूज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, लास्ट पॉइंट इसका, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, इसकी कंस्टिट्यूएंट बनने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनसे बना होता है वो, तो पार्टिकल्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते हैं, जिनसे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, ठीक है, उनको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये वेरी क्लोज होते हैं, मतलब कि आपस में बहुत सटे हुए होते हैं, मतलब चिपके होते हैं, ठीक है, पैक होते हैं एकदम। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड, मतलब इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं जिनसे मिलकर बना होता है लिक्विड, ठीक है, लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब कि वो
बहुत कम, ठीक है, वो बहुत कम पैक होते हैं, यानी कि ढीले होते हैं, कहने का मतलब जैसे लिक्विड होते हैं ना, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर फ्री टू मूव अबाउट, देखो इसमें दे रखा है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बिल्कुल फ्री होते हैं, वो मूव करते रहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। वेरी क्लोजली पैक, क्लोजली पैक नहीं होता, और क्लोजली पैक की तो बात दूर, इसमें तो बिल्कुल फ्री होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे, देखो ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दो, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, इसको भी छोड़ दो, ठीक है, बाकी हम इनको करवा देंगे बाद में, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके बारे में डिटेल करेंगे, ये आपका माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इसी से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज आपने की थी उसका बस सूक्ष्म रूप से, उसकी मतलब बहुत छोटे स्तर से एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, सॉलिड की, इसके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पार्ट टू, ठीक है।